2006 से लेकर 2012 का जो पीरियड जो था, इसके अंदर जो हमने देखा, एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पैसे बहुत कम थे, दूसरी बात हमें एक भी छुट्टी नहीं दी जाती थी, और छुट्टी जब हम कर लेते थे, एक भी तीन छुट्टी अगर एक महीने में कर ली तो हमारा जो अटेंडेंस रिवार्ड होता था, जो कि सैलरी के अंदर ही ऐड था, जो लगभग हमारा 2500 रुपये था, वो हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता था। एक तो ये बड़ी समस्या थी, दूसरी बात जो वर्किंग लोड था वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब कि ये मानो कि एक वर्कर जो है दिन में जो है पता नहीं कितना केजी जो है वेट उठा रहा है और काम कर रहा है, मतलब उसके पास में पीने का जो पानी अगर पास में रखा हुआ है तो उसके लिए भी उसके पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और ये इसको चलते हुए हर वर्कर की इस तरह की समस्या थी, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को जो है कमर की दिक्कत है, किसी को गर्दन की दिक्कत, कोई भी वर्कर जो है फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं था पूरा वर्कलोड के कारण। दूसरी बात ये है कि हमारा ऊपर जिस तरह का मैनेजमेंट का जो है, एक तो ये होता था शारीरिक एक परेशानी थी, पर ऐसे मानसिक तौर पे हमें टॉर्चर किया जाता था, और वो टॉर्चर इस तरह से किया जाता था कि एक सेकंड भी अगर लाइन रुक जाती आपके स्टेशन से, और अगर कोई भी फॉल्ट आपके स्टेशन से चला जाता है, तो जो है 4-5 लोग मैनेजमेंट के बिठा के पूरी क्लास लगाते थे, और छुट्टी के बाद में वो पूरा फॉल्ट हमें ठीक करके देना होता था जो भी फॉल्ट चला गया है। तो ये इस तरह का एक अलग तरीके का एक टॉर्चर था हमारा। वहाँ कंपनी के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, किसी तरह की रिलीफ नहीं दी जाती थी, हमें पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता था, हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, और छुट्टी के बाद भी जो हमारा टाइम था छुट्टी का, जो भी टाइम रहता शिफ्ट का, ए शिफ्ट का, बी शिफ्ट का, रात में उसके बाद भी हमें काम करना पड़ता था, हमें कार्ड पंच नहीं करने दिया जाता था, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बड़ी परेशानी थी, हमें बुखार हो जाता था, बुखार में भी हमें काम करना पड़ता था, ये बड़ी दिक्कत थी। वो बोलते थे ऐसे ही काम करना पड़ेगा नहीं तो हाफ डे लग जाएगा। जैसे एक दिन की भी छुट्टी लेते थे हम, हमारा 1200 रुपये कट जाता था, और 2 दिन की छुट्टी लेते थे तो 2500 रुपये कट जाता था, और 3 दिन की छुट्टी में हमारा 5-6000 रुपये कट जाता था। देखिए 18 जुलाई 2012 को जो घटना घटी गई थी उसमें हमारे 150 साथियों को जेल में डाल दिया गया था, 13 साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, और 2500 वर्कर जो हमारे थे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उनको भी निकाल दिया गया था। और उसके बाद कंपनी ने एक SIT कमेटी की जांच बैठाई थी जिसमें 426 साथी ऐसे हैं जिन पर किसी तरह का कोई भी केस नहीं है, कोई वो दोषी नहीं है। उसके लिए कंपनी के चेयरमैन जो RC भार्गव जी ने ये स्टेटमेंट दिया था उसी टाइम पर कि हम उनको काम पर वापस लेंगे जो बंदे निर्दोष होंगे। लेकिन आज हम 12 साल के बाद भी यहीं सड़कों पर नहीं, गुड़गांव में कल पूरे, चाहे जींद, कैथल, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, धारूबड़ा, पूरे हरियाणा के अंदर हम हर गांव में, हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में जा करके हमने अपनी आवाज़ को उठाया है। और तो और हमने यहाँ से जब स्ट्रगल किया, हमको जब न्याय नहीं मिला यहाँ से, तो हम एक रणदीप सुरजेवाला उद्योग मंत्री जो कैथल से बिलोंग करते हैं, वो उद्योग मंत्री थे, वहाँ जाकर के हमने 57 दिन धरना दिया, और जिस ज़मीन पर हम वहाँ बैठे थे उन्होंने उसी का हम पर एक केस करवाया गया कि आप ज़मीन को छीनना चाहते हो, और हमारे जो साथी थे उनको जेल में डलवा दिया गया। और हमने वहाँ पर स्ट्रगल किया, जो हमारी माता बहनें थी, करीब 10,000 से ज़्यादा हमारे साथ मजदूर साथी थे, हमारी माता बहनों पर उन्हें लाठी चार्ज करके हमारे आंदोलन को तोड़ दिया गया। और जब से आज तक भी हम सड़कों पर यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें कैसे नौकरी मिले। 1990 के बाद ना वो उदारीकरण नीति लागू हुई है, जो पीछे गया है वो कहीं भी उससे दोबारा उबार ना मार दे, उन चीज़ों को लेकर एक षड्यंत्र रचा गया और ये टूट फूट हुई, ये जो कांड सारा का सारा इसको अंजाम दिया गया। और उसके बाद पूरा सरकार का, पुलिस का, पूरे जो स्टेट का जो हमला है वो वर्कों ने देखा, घर से उठा लेना जो कहीं मिल रहा है, कहीं भी उस टाइम पे जो वर्कर उठा गया था, आधे IMT को स्टेट ने इकट्ठा कर दिया था, पुलिस ने इकट्ठा कर दिया, तो वो तो बाद में कौन इस कंपनी का किसका नहीं है छोड़ा गया था। तो उससे हमने यही समझा, हम जहाँ भी गए किसी भी मंत्री संतरी या किसी भी ऑफिसर DC कलेक्टर के पास हमने बहुत ज्ञापन दिए, बहुत जगह पर हमने जाके अपनी आवाज़ उठाई, हमारे साथ ऐसा हुआ, आप इसकी ढंग से जाँच नहीं हुई, जो जाँच हुई है वो पूरा ठीक रहा, उसमें मजदूरों के ऊपर ही फोड़ दिया गया। और हमें हमारी बात रखने का कहीं पे भी स्पेस नहीं था, हम जहाँ पे भी इकट्ठा होने की कोशिश करते थे, जहाँ पे बोलने की कोशिश करते थे, वहीं से पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती थी, सीधा जेल में डाल देती थी, और सीधा सीधा जो 302 का मुकदमा हमारे ऊपर लग रहा था, आगजनी का, 302 का, सब एकदम खतरनाक धारा हमारे ऊपर लगाई जा रही थी। तो इस माहौल के अंदर जो है हमने ये मतलब एक संघर्ष करके दोबारा से अपना यूनियन को खड़ा किया।
जब जैसे ही 18 जुलाई की घटना हुई तो हरियाणा सरकार ने जो वर्कर थे उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं मालिक को खुश करने के लिए तुरंत एक अनाउंसमेंट किया गया कि हम जो है KTS तुलसी को जो है मैनेजमेंट को हायर कर रहे हैं। KTS तुलसी जो कि जो है मतलब बहुत बड़ा वकील है, जिसकी एक दिन की जो फीस है हरियाणा सरकार के खजाने से गई 5.5 लाख रुपये। ठीक है, और KTS तुलसी ने पूरे केस को तैयार किया और पूरे अपने तरीके से पूरी कहानी को सजाया, और उसी तरीके से जो सजा के और ये जो पूरा डंगोसला पेश करके कि इनके खिलाफ ये सबूत है, ये सबूत है, ये सब है, तो ये सब चला के उनको हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने ये कायम करना था कि अगर कोई इस एरिए के अंदर या इस देश के अंदर कोई यूनियन बनाने की सोचेगा और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करेगा तो मारुति की यूनियन का जो हाल हुआ वो हाल आप लोगों का होगा। ये एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए जो है इस तरह का पूरा स्टेट ने पूरा खेल खेला। और साथ में ये भी देखो कि ये तो था एक हरियाणा सरकार का मामला, जो ये बोलते हैं कि जो न्यायपालिका निष्पक्ष है, न्यायपालिका कहाँ निष्पक्ष थी जिस टाइम पे इमरान खान की जो बेल हम लेके गए, अपोजिशन का वकील उसमें कोई विरोध नहीं कर पा रहा, कोई बचाव नहीं कर पा रहा, फिर भी जज बोल रहा है कि इसको बाहर निकालने से यहाँ पे शांति भंग हो सकती है, तो आप क्या उम्मीद करोगे यहाँ के जो है जुडिशरी से। प्लस में हाईकोर्ट में जब हम अपील लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि मारुति वर्कर को अगर जमानत दे दी गई तो विदेशी उपनिवेश को खतरा है, जो कि मोदी का सपना है कि विदेशी उपनिवेश ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे आए, तो ये जजमेंट यहाँ पे कोर्ट में दिए जा रहे हैं। तो हम क्या कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑर्डर हमारे पास में है, ये हमारे पास प्रूफ हैं। 546 को बिना कोई इंक्वायरी, जो हमारे कानून लेबर लॉज के अंदर है, पहले इंक्वायरी होगी उसके बगैर निकाल दिया जाता है, इंक्वायरी के बगैर, और 2000 से ऊपर ठेका मजदूर को निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कॉरपोरेट घराना और सरकार जो जिस तरह से खड़ी हैं, उनका एक ही मकसद है कि यूनियनों को ना बनने दिया जाए और मजदूरों के अंदर जो यूनियनों के प्रति जो चेतना उसको बिल्कुल बैकफुट पे ले जाया जाए, क्योंकि अगर यूनियनें सक्सेस होंगी तो ये जितना भी मेक इन इंडिया फोन निवेश की बातें करते हैं तो उनको यही आश्वस्त करते हैं, आप आइए हमारा मजदूर इतना सस्ता हमारे देश में, हमारे आपके लिए लेबर लॉ चेंज कर दिए हैं, कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा हम जेल में डाल देंगे, यूनियन डिमांड करेगा उनके साथ ऐसा कर देंगे, ये उदाहरण सेट कर रहे हैं पूरे क्लास के सामने। इसलिए ये क्लास है, पूंजीपति के लिए सरकार उदाहरण सेट करके दे रही है, तक आप आओ शोषण करो हमारे वर्कर का, नीम ट्रेनी के नाम पे, मिस्टी के नाम पे, कौशल योजगार के नाम पे, आपको जो अच्छा मन पड़े जिसको रखो, कितना देना कितना दो, आपके ऊपर कोई कानून किसी तरह से कुछ भी प्रभावी नहीं होगा। तो सारा का सारा खेल यही है, इसीलिए है कि मारुति का मजदूर अगर जीतता है तो उनको पता है ये भी एक उदाहरण सेट होता है, और अगर मारुति का मजदूर जो हार रहा है वो भी उदाहरण सेट करे, देखो आप अगर आप ऐसी डिमांड करोगे, यूनियन बनाओगे, जैसे मारुति यूनियन को क्रश किया गया है, जिनके मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाने को मजदूर मजबूर किया गया है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और देखिए अगर मैं घर की बात करूं तो आज घर की परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, किसी को नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि मारुति जो है ये इन्होंने एक ऐसा हमारे पे ब्लेम लगाया है, जब किसी कंपनी में हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने एक आदमी मार दिया, आपने मानस मार दिया। तो आज हम कहाँ 10,000 की नौकरी करें, आज कोई हमारा साथी है नौकरी नहीं मिल रही, कोई बेचारा गारा मट्टी का काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, इस तरह अपना बच्चों को पाल रहे हैं। इस संघर्ष के चलते हमारे इस दौर में जो माता बहन है हमारे घर में, जिन्होंने टेंशन में हमारी वाइफों ने बहुत कुछ ऐसे केस हो गए, जिन्होंने किसी ने फांसी चढ़ गई है, कोई फांसी ले ली है, गोलियाँ खा ली हैं, कुछ हमारे साथी भी इस तरह की डेथ कर गए हैं। तो देखिए आज हमारे बहुत साथी स्ट्रगल में निकल भी गए, हमारे से बिछड़ भी गए, और ये भी आज हमारा जारी है। हमारे आज बच्चे पूछते हैं कि पिताजी कहाँ जा रहे हो, कि कार कंपनी में जाएंगे, हमारी लड़ाई चली, तो उनको जवाब देने लायक नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हो गए। तो आज हम यही है कि न्याय की गुहार लगाने के लिए खड़े हों, जो हमारे प्लांट से साथी आए हुए हैं, जो हमारा समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हों, उनसे भी हमने उम्मीद है कि भाई हाँ हमारी बातचीत करेंगे ये। देखिए इसमें हमारी 3 डिमांड हैं, इसमें 2500 वर्कर हमारे जो साथी थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी इनमें थे, जो साथी हमारे बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो बिल्कुल निर्दोष थे उनको निकाल दिया गया, कंपनी उनको काम पर वापस ले। 426 साथी ऐसे जो कंपनी ने और सरकार ने SIT कमेटी बैठाई और उसमें निर्दोष साबित कर करके जो RC भार्गव चेयरमैन ने ये बोला था कि इन साथियों को हम काम पर वापस लेंगे, उनको भी आज तक इन्होंने काम पर वापस नहीं लिया। एक हमारी डिमांड ये है, जो हमारे साथी जेल में थे उन पर जो आज केस हैं, जो वो बाहर निकाले हुए हैं बेल पर, उन साथियों के केस खत्म किए जाएं।